नमस्कार मित्रों, मैं हूं डॉक्टर हरिनिवास और चैनल का नाम है संस्कृत साहित्य एवं संस्कृति। श्रीमद् भगवद गीता 16वां अध्याय चल रहा है। हमने देखा कि भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को जो आसुरी सृष्टि है, आसुरी संपत्ति जो है, उसका विस्तार से वर्णन कर रहे हैं। और उन्होंने कहा कि कुछ लोग इस प्रकार के होते हैं जिनको प्रवृत्ति निवृत्ति कुछ नहीं मालूम है, जिनको क्या पवित्रता है, क्या अशुद्धता है, हमें क्या व्यवहार करना चाहिए, ये भी जिनको नहीं मालूम पड़ता है। जो समझते ये हैं कि हम ही सब कुछ करने वाले हैं, हमसे ही ये पूरी सृष्टि है, हम पति पत्नी मिल गए तो देखिए हमने एक नई जनरेशन पैदा कर दी और वो जनरेशन मेहनत करेगी तो हमारे लिए सब कुछ होता चला जाएगा। ऐसे लोग जगत आहु अनीश्वरम, इस संसार को ईश्वर से रहित या ईश्वर का कोई रोल है इस संसार में, इस चीज का स्वीकार नहीं करते। इससे आगे श्री कृष्ण कहते हैं, एताम दृष्टिम अवष्टभ्य नष्टात्मानोल्पबुद्धयः भवन्त्य उग्र कर्माणः क्षयाय जगतो हिता। जिसकी दृष्टि इस प्रकार की होगी, जिसकी समझ इस प्रकार की होगी, जो सिर्फ स्वार्थ को ही समझता होगा, जो सिर्फ अपनी अभिलाषाओं के लिए दौड़ता होगा, एताम दृष्टिम अवष्टभ्य नष्टात्मानोल्प बुद्धया। भगवान कहते हैं कि तो बड़ा ही अल्प बुद्धि है, क्योंकि जो वास्तव में मनु ने कहा और मनुष्य मानव जिसको कहा जाता है, वो तो स्वभाव उसका रहा ही नहीं। देखिए विचार कीजिए, मैं कई बार इस बात को कह चुका हूं, फिर कहता हूं, प्रकृति के एक एक तत्व को देख लीजिए। बरसात आपके लिए बरसता है, बादल आपके लिए बरसते हैं, सूर्य आपके प्रकाश के लिए हो, चंद्रमा आपको चांदनी देने के लिए, यानी वृक्ष आपको फल देने के लिए, आपको पवन देने के लिए, आपको ऑक्सीजन देने के लिए। एक प्राकृतिक तत्व ऐसा बता दीजिए जो अपने लिए इस संसार में जीता हो, जो आपके लिए कार्य ना करता हो। तो ईश्वर ने जिस प्रकृति को बनाया, उसके द्वारा हमें यह संदेश दिया कि भैया परोपकाराय सताम विभूत है, हमेशा दूसरों का विचार करो, अपना मत करो। हम ये कहां से सीख गए? हां, यही तो हमें सिखाया, और ये जिन्होंने हमें सिखाया है ना, वो सिर्फ हमें दुख का मार्ग सिखाते हैं। मैं फिर आपसे कह रहा हूं, पिछले वीडियो में ये बात जो मैंने कही थी कि जब आप एक लक्ष्य तय करके और उस लक्ष्य के लिए अंधी दौड़ में दौड़ रहे होते हैं तो सफलता की कोई गारंटी नहीं ले सकता है। लेकिन जब आप अपने कर्तव्य का पालन संपूर्ण निष्ठा के साथ कर रहे होते हैं तो हो सकता है कि वो लक्ष्य तो बहुत छोटा हो और उससे भी जिसकी आपने कल्पना ना की हो ऐसा कुछ आप प्राप्त कर पाए, ये बिल्कुल संभव है, बल्कि यही संभव है। तो यहां कहते हैं, जब व्यक्ति एक छोटे से लक्ष्य के लिए और छोटे से टारगेट के लिए अल्प बुद्ध है, अल्प बुद्धि वाला वो व्यक्ति नष्टात्मानो, जो खुद को पहचानता ही नहीं है, जो खुद को समझता ही नहीं है और दौड़ता चला जा रहा है, प्रभवंत उग्र करवाना छयाय जगतोहिता। अब ऐसा व्यक्ति क्या करेगा? देखिए, अगर कोई राष्ट्र इस प्रकार से सोचने लग जाए कि मैं ही इस संसार में सबके ऊपर राज्य करने के लायक हूं तो वो गलत कार्य करेगा, और कोई व्यक्ति जब ऐसा सोचने लग जाएगा तो वो गलत कार्य करेगा। तो ऐसे लोग उग्र कर्माणा प्रभवंती, गलत काम उग्र काम करने के लिए प्रेरित होते हैं। ये आतंकवाद से लेकर जितनी चीजें सब इसी की देन है। छयाय जगतो अहिता, ये जगत के अहित कारक होते हैं और इस संसार को नाश करने वाले होते हैं। मैं फिर से आपसे कहूंगा कि अगर प्राकृतिक तत्व ना हो और अगर हमारे ऊपर सृष्टि का संचालन हो तो आप बिल्कुल ये समझ लीजिए, अगर प्रकृति के नियम नहीं हो, अगर इस प्रकृति के नियम हमारे अनुसार चलने लग जाएं, तो आप समझ लीजिए कि ये प्रकृति जो है ना, ये एक साल भी हम जिंदा नहीं रह सकते।
ये तो प्रकृति के नियम ऐसे बनाए गए हैं, हमारा शरीर ऐसा बनाया गया कि अगर वो टूट जाएगा ना, आप नहीं प्रयत्न करेंगे तो भी वो हड्डी टेढ़ी तो टेढ़ी जुड़ जाएगी, जहाँ है हड्डी वहाँ जुड़ जाएगी वो हड्डी। अगर हम कट गए हैं, आप अगर नहीं दवा लगा रहे हैं तो भी वो घाव अपने आप धीरे 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 सूखेगा, भरेगा। अगर किसी को डायबिटीज हुई है तो उसने कुछ प्रकृति विरुद्ध कार्य किए इसलिए उसको डायबिटीज हुई है। जन्म से कोई ये सारी बीमारियां लेके पैदा नहीं होता है, लेकिन जब आप किसी चीज की अति करते हैं तभी आपको कुछ बीमारियां परेशान करती हैं। तो आपने प्रकृति के नियमों को जब भंग किया है तभी आप परेशान होते हैं। अगर आप प्रकृति के नियमों का भंग नहीं करते हैं तो प्रकृति हमेशा आपको चिरंजीवी बनाने के लिए है। अगर हम प्रदूषण पैदा कर रहे हैं तो श्वास लेने में, हम सिगरेट पी रहे हैं तो हमारे श्वास के अंदर हम धुआं को ले जा रहे हैं, वो जो कुछ कर रहे हैं हम कर रहे हैं, प्रकृति हमको ऐसा कुछ करके नहीं देती। ऐसे लोग जिनकी अल्प बुद्धि है, जो इस प्रकार का स्वार्थ वाला नेचर रखते हैं, स्वभाव रखते हैं, वो हमेशा इस संसार के नाश के लिए गलत काम करते हैं, उग्र कर्मों में प्रवृत्त हुआ करते हैं। काम माश्रित्य दुष्पूरम दंभमान मदान्विता मोहाद गृहीत्वा सद्ग्राहान प्रवर्तन्ते सुचिव्रता। कामम आश्रित्य, ऐसी कामनाओं का आश्रय लेकर के, ऐसी कामनाओं के लिए काम करना शुरू करेंगे, दुष्पूरम, जो कभी पूरी नहीं हो सकती हैं। आप जीवन में एक चीज को समझ के चलिए कि जब तक आप किसी चीज के पीछे दौड़ते हैं तब तक वो चीज आपसे आगे भागती है, लेकिन जब आप अपने कर्तव्य के पथ पे अग्रसर होते हैं तो सारी चीजें आपके पीछे होती हैं। अब आपको किसी चीज के पीछे रहना है या आपको आगे रहना है, चीजों को अपने पीछे रखना, ये आप डिसाइड करेंगे। तो जो कामनाओं के आश्रित होता है वो कामनाओं को कभी पूरा नहीं करता है, क्योंकि उसकी कामनाएं हमेशा दुष्पूरम, जो कभी पूर्ण ना हो, इस प्रकार की होती है। क्योंकि कामनाएं आगे होती हैं, वो पीछे होता है। दंभ, ऊपर से, अरे मैं तो बड़ा काम करता हूं, मेरे जैसा तो कोई व्यक्ति नहीं, मैं 24 घंटे में से 22 घंटे काम करता हूं, मैं तो 2 ही घंटे सोता हूं, कई बार तो वो भी सोने को नहीं मिलता है, ना मैं खाने की चिंता करता हूं, ना मैं पीने की चिंता करता हूं, ना मैं, अरे भैया तो जीते काहे के लिए हो, यही समझ में नहीं आता है। तो फिर जीने का मतलब क्या है? अगर व्यक्ति शांति से नींद ना आए, उसको सो ना पाए, अगर व्यक्ति शांति से अपने जीवन को ना व्यतीत कर पाए तो उस जीवन का अर्थ क्या है? दंभ पहले भी आ चुका है, उसका स्वभाव आडंबर वाला होता है, मिथ्याचारी होता है, करेगा कुछ, लोगों को दिखाएगा कुछ। मान मदान्विता, मान तो ऐसा कि ओहो उसके जैसा दुनिया में कोई है ही नहीं, और अभिमान, दुनिया इधर से उधर हो जाए लेकिन हम अपने इस स्वभाव को नहीं, हमारी बात हमेशा सच होती है। दंभ मान मदांतर, और इन सारी चीजों को रखने के बाद जब व्यक्ति अपनी कामनाओं की पूर्ति के लिए प्रयत्नशील होता है, कभी सफलता नहीं मिल सकती है। इसलिए कहते हैं दुष्पूरम मोहात, मोह बस जिसकी बुद्धि काम करना बंद कर देती है उसको मोहित अवस्था कहते हैं। ये मोह की अवस्था में, यानी अज्ञान की अवस्था में होता है, तंद्रा जैसी अवस्था होती है, क्या करना क्या नहीं करना वो तो उसको मालूम ही नहीं होता है, और अपने ज्ञान को ही सबसे श्रेष्ठ ज्ञान मानता है। मैं कह रहा हूं वही सच है, बाकी तो सब फिर चाहे लोग आपको जो कहें, लेकिन वो व्यक्ति खुद को पता नहीं क्या समझने लग जाता। तो मोहाद ग्रहीत्वा इस प्रकार के निर्णय लेता है, अज्ञानपूर्ण निर्णय लेता है। सदग्राहान प्रवर्तन्ते असुचि व्रता, ऐसे व्यक्ति का आचरण कैसा होगा? अच्छा आचरण तो होगा ही नहीं, क्योंकि जब व्यक्ति का दिमाग ही काम ना करता हो, जब उसकी सोच ही सही नहीं हो, तो उसका आचरण कैसे सही हो सकता है? तो ऐसे असद आचरण करेगा और असुचि व्रता, और उसी प्रकार के उसके विचार भी, जो व्रत होंगे, जो विचार होंगे, वो भी कैसे होंगे? अपवित्र होंगे। तात्पर्य यह है कि जो व्यक्ति इस प्रकार से गलत मार्ग का अनुसरण करता है, वो गलत ही सोचता है,
गलत ही करता है और जो गलत और जो मिथ्याचार है उसी को सही मानता है। ये सबसे बड़ी समस्या है। और इसलिए क्या होता है कि कामम आश्रित्य, जिन कामनाओं की, जिन अभिलाषाओं की पूर्ति हो जाता है दुष्पूरम, वो कभी पूर्ण नहीं होते हैं। चिंताम परिमेयम चा प्रलयांताम उपाश्रिता कामोपभोगा परमा एता वदिति निश्चिता हो। परिणाम अपरिमेयम चिंताम, हमेशा चिंता के सागर में डूबा रहेगा। अरे ये किया था, ऐसा नहीं हुआ, मुझे तो ये करना था और ऐसा करने गया, ऐसा हो गया, ये हुआ वो हुआ, कभी उसके जीवन में शांति नहीं हो सकती। चिंताओं से व्यग्र रहेगा, व्यस्त रहेगा। चिंताम अपरिमेयम, जिनकी कोई लिमिट नहीं है, अनलिमिटेड चिंताएं उसके पास रहती हैं। प्रलयांताम उपाश्रिताम, और ये एक दो दिन की बात नहीं है, मरने तक हमेशा इसी प्रकार की चिंताओं में लगा रहेगा। इच्छाएं तो पूरी होंगी नहीं, और वो इच्छाएं पूरी ना होने पे हमेशा चिंताओं में पड़ा रहेगा। ध्यान दीजिएगा, अगर आपके साथ इनमें से कुछ भी होता तो उसको परिवर्तन की जरूरत है। चेंज कीजिए, खुद को बदलिए। अपरिमेयाम चिंताम प्रलयांताम उपाश्रिता, प्रलयांताम का अर्थ होता है मृत्यु पर्यंत, वो चलती रहती है। ये हमेशा व्यक्ति ये सोचता है कि यार इतना हो जाए ना तो फिर तो बस सब कुछ हो गया, फिर मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं है। और जब उतना कर लेगा तो कहता ना ना ना, इतने से क्या हुआ, अभी तो ये होना चाहिए, अभी तो ये होना चाहिए, अभी तो ये होना चाहिए। तो प्रलयांताम मृत्यु पर्यंत वो अपरिमेय चिंताओं में फंसा पड़ा रहता है, चिंतित रहेगा, व्यग्र रहेगा। कामोपभोग परमा एता वदिति निश्चिता, एक के बाद एक जो मिलता जाएगा उनका उपभोग करेगा, और उनका उपभोग करेगा तो और उपभोगों की लालसा उत्पन्न होगी। छोटी गाड़ी मिली तो और बड़ी चाहिए, और बड़ी मिली तो और बड़ी चाहिए, और बड़ी मिली तो, ये तो कहीं अंत है ही नहीं ना। एक से प्रेम हुआ, दूसरी उससे अच्छी दिखाई दी तो अरे तुझसे प्यारा कोई मिला, छोड़ा तुझे क्या है गिला। चाहे वो प्रेम की बात आए, चाहे वो, क्योंकि कहीं किसी जगह मन स्थिर हो ही नहीं सकता है। कामोपभोग परमा, ऐसा व्यक्ति जो है कामनाओं के अनुसार मन की इच्छाओं को पूर्ण करने की कोशिश करता है, लेकिन ये तो कभी होती ही नहीं है। एता वदिति निश्चिता, अब लगता तो यह है कि बस ये मिल गया मुझे तो संसार का यही सबसे बड़ा सुख है। अरे भैया, चाहे आप धन प्राप्त कर लो, चाहे आप संपत्ति प्राप्त कर लो, चाहे आप संतान प्राप्त कर लो, चाहे आप विद्या प्राप्त कर लो, आप कितना भी कोई भी सुख प्राप्त कर लो, लेकिन कोई भी सुख आपको हमेशा के लिए सुखी नहीं बना सकता है। पहले जो पढ़ाया जाता था ना कि गोधन गजधन बाजधन और रतन धन खान, तरह तरह के धन, उस समय यही चीजें हुआ करती थी। लेकिन जब आवे संतोष धन सब धन धूरी समान, जब आप संतोष के धन से जब आप संतुष्ट होना सीखेंगे ना, तभी आपकी कामनाओं की संपूर्ण पूर्ति होगी। तभी आप समझ लीजिए कि आप जो चाहते हैं, जो शांति चाहते हैं, जो सुख चाहते हैं, वो तभी मिल सकते, नहीं तो आप मान भले ना एतावत इति निश्चिता, आपने मान लिया कि बस ये मिल जाएगा, इसके बाद मैं सुखी हो जाऊंगा, और वो जब मिल गया तो फिर तो सुखी तो हुए, और यही चलता रहना हमेशा। आशा पाश सतैर्बद्धा काम क्रोध परायणा इहंते काम भोगार्थाम अन्याय नार्थ संजयान। आशा पाश सतैर्बद्धा, सैकड़ों आशाओं के पासों से बंधा रहता है, ये करूंगा तो ऐसा हो जाएगा, वहां जाऊंगा तो ये मिल जाएगा, उसके पास से ऐसा हो जाएगा, ऐसा करने पे ऐसा होगा, ओ हो, कोई अंत ही नहीं है हमारी कितनी आशाएं। जबकि शास्त्र कहते हैं आशा ही परमम दुखम, निराशा ही परमम सुखम। अगर आप आशा रखते हैं, पूर्ण होती है तो दुखी, और पूर्ण नहीं होती तब तो दुखी है ही, क्योंकि कोई भी आशा पूर्ण हो जाए आपकी, वो संतुष्ट नहीं बनाती है आपको।
ऐसा तो कभी होता ही नहीं है कि व्यक्ति ने जो चाहा उसको ऐसा लगे कि नहीं, मुझे तो जो चाहता उससे ज्यादा मिल गया। ये दिल मांगे मोर, अभी तो और चाहिए। तो आशा पास सतही बद्धा, सैकड़ों आशाओं के पास से बंधा हुआ, काम क्रोध परायणा, काम क्रोध इन सब में डूबा हुआ, एक के बाद इच्छा और क्रोध, बस यही जीवन का। अगर आप अधिकांश लोगों के जीवन में देखें, देखिए इस समय लॉकडाउन चल रहा है, सब कुछ बंद है, ऐसे में आप अगर थोड़ा सा भी चिंतन करें, थोड़ा सा भी विचार करें, तो आपको ये लग सकता है, मैसेज तो ऐसे घूमते हैं, बिल्कुल ये लग सकता है कि कितना कुछ चाहिए और इतना चाहिए तो इतने के लिए मुझे क्या करने की जरूरत है, या कितना करने से। अगर आप ये विचार कर पाए तो संभवतः 21 दिन का लॉकडाउन जो है वो आपको सारी जिंदगी के लिए सुखी बना सकता है। व्यक्ति सैकड़ों आशाओं के पास से बंधा हुआ, काम क्रोध में हमेशा डूबा रहता, काम क्रोध परायणा, इहंते काम भोगार्थान अन्याय नार्थ संध्या, और उन अपनी कामनाओं की सिद्धि के लिए, उन अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए, उन भोगों को प्राप्त करने के लिए अन्यायीन अर्थ संज्ञान, गलत मार्ग के द्वारा अर्थ संचय की कोशिश करता है, उन कामनाओं की सिद्धि, उन कामनाओं को पूर्ण करने के जो साधन है उनको जुटाने की कोशिश करता है। आगे की चर्चा अगले वीडियो में करेंगे, क्योंकि आप जानते हैं कि अधिकांश संसार इसी प्रकार के लोगों से भरा पड़ा है, कितने लोग हैं जो इससे बाहर आ पाते हैं, देखते हैं। मैं हूं डॉक्टर हरिनिवास और चैनल का नाम है संस्कृत साहित्य एवं संस्कृति। 16वां अध्याय चल रहा है, आसुरी संपत्ति का विवेचन, यहाँ पे हम देख रहे हैं। धन्यवाद।